खुदावंद आप सबको बरकत दे। पहले ये जबूर था राग मालकौंस में, बहुत प्यारा जबूर है। जितनी भी पुरानी कंपोजिशनें हैं वो बनी हुई हैं, क्या गलत बनी हुई हैं आप मतलब फिर दोबारा चेंज करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर चेंज करते हैं, कमेंटों में बताएं मुझे। क्योंकि मुझे आपने कहा था कि जिस तरह ये रोमका जी ने गाया है जबूर 84 आप इसी तरह बना दें हमें, तो मतलब कि मैं बना रहा हूँ आपके कहने पर, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन राग मालकौंस में जो बनी हुई है कंपोजिशन आर्डेंस कुमार ने भी गाई है, काफ़ी सिंगरों में उसी जगह पर ही गाई है। लेकिन ये मतलब अच्छी खासी चीज़ को ख़राब कर देना ये भी ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पुरानी कंपोजिशनें बनी हैं वो खुदावंद की मेहरबानी से बहुत अच्छी बनी है, और आप उस तरह की नहीं बना सकते। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी मतलब कर लें, आप उस तरह की नहीं बना सकते, तो खुदा के लिए ये पुरानी चीज़ों को ख़राब ना करें। ठीक है, आप मतलब के हज़ारों गीत हैं किताबों में लिखे हुए, आप वो गा लें, लेकिन आप जबूर जो हैं खुदा के बनाए हुए जो पुरानी कंपोजिशनें बन चुकी हैं, आप ना तो उस जैसी को कंपोजिशन बना सकते हैं पुरानी जैसी, तो ना मतलब कि मैं हूँ मतलब की कह सकना। जिन्हों खुदा थोड़ा बहुत मतलब फेम दे देता है वो बंदा ना अपनी जगह छड़ जाता। देखो हूँ राग मालकौंस कहिंदे सग मदनी स सनी ध प सनी ध म ग म ध म ग सग मदनी स सनी ध म ग। हुण इन्हां जिहड़ी कंपोजिशन बनाई वो राग काफी दे विच बन गई बनाई सरे ग म प ध नी स सनी ध प म ग रे स। देखो हुण के खुदा बंदा तू लश्करा दा खुदा, खुदा बंदा तू लश्करा दा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, खुदा बंदा तू लश्करा ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵਿਕਰੇ खुदा आप सबको बरकत दे। वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिएगा। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।